अगली खबर मथुरा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर मथुरा पहुंच रहे हैं। वह शनिवार को जहां भाजपा की महासंपर्क अभियान की जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही 6वीं बोर्ड बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। साथ ही श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। अगले दिन रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में साधु संतों के साथ स्वल्पाहार करेंगे। इसके बाद नोएडा के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन जन्मभूमि के बाहर पार्किंग की वजह से अव्यवस्था ना लगे। कार्यक्रम कल लगा हुआ है, क्या ब्रीफिंग की हुई है, क्या रिजल्ट है? कल यहाँ पर माननीय वीवीआईपी के आने का प्रोग्राम है और धरा आईडी बीच में करनी है, इधर उधर जा रही है, पुलिस की जो ड्यूटी है कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब के द्वारा लगा दी गई है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगी है सभी लोग ब्रीफिंग में आए हुए, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराया गया और जो भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम स्थल है उन सभी जगह पर एक एक जगह का अवलोकन कर लिया गया है और हमें पूरा विश्वास है जो एस ओ पी माननीय मुख्यमंत्री ने सुरक्षा की है उस एस ओ पी के तहत पूरी व्यवस्था हो गई है और ए डी आई पी का प्रोग्राम है वो पूरी तरह से स्वकुशल त्रुटि रहित संपन्न। सर कितने दिन का प्रोग्राम है, क्या क्या प्रोग्राम रहेगा? मैं देखिए प्रोग्राम जो है एक जनसभा स्थल है जहाँ मौजूद है, इसके अतिरिक्त दो तीन और जगह हैं जहाँ पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्रज विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, तो उन सभी जगह पर और भी जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का मथुरा प्रवास है उसमें और भी कहीं जा सकें तो सभी जगह की पूरे मथुरा क्षेत्र की हम लोगों के द्वारा तैयारी कर ली गई है और हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह की तैयारी हमारे एस एस पी साहब ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम पूरी तरह से शुरू किया। सर कुछ यातायात में भी परिवर्तन किया गया है? यातायात में जो भी चीज़ परिवर्तन जो भी समय के हिसाब से जो चेंजेज होंगे उसके बारे में स्पीड ट्रैफिक के द्वारा आज अवगत करा दिया जाएगा मीडिया के भी माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से।